देखिए, केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के, गए वो आए जो नारा उन्होंने दिया, भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए, जैसे PFI युक्त बिहार कैसे हो, आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। लेकिन यहाँ पर केसीआर ने कंसेंट देना चाहिए सीबीआई वाले मामले को लेकर, सीबीआई इश्यूज पर। वो सब तो केवल मुखौटा है, असल है देश में तुष्टिकरण की राजनीति, और यहाँ छक्के चौवा का खेल चल रहा है। केसीआर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कि नीतीश कुमार उम्मीदवार, कि राहुल गांधी उम्मीदवार, वो सब तो एक बहाना है। भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि हिंदू मुक्त भारत बनाने की योजना केसीआर का है। जैसे हैदराबाद में सर तन से जुदा हो आंदोलनकारियों का समर्थन करना वहाँ की सरकार, और बिहार में PFI और सरिया युक्त बिहार कैसे हो। अच्छा, दूसरी तरफ होना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में, ये सारी बातें कही जा रही है, क्या लग रहा है ये एक साथ हो जाएंगे कॉमन मिनिमम? मुझे लगता है कि देश के अंदर अब समय आ गया है कि इन लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने अकेले चुनाव लड़े। पहले तो ये कबूल करे कि भारत के किसी भी विपक्ष को मोदी के सामने अकेले नेतृत्व लड़ने का चेहरा नहीं बना पाया, अन्य चेहरा है। अब समय आ गया है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो, जैसे कॉरपोरेशन का चुनाव भारत में होता है मेयर का, उसी तरह से अब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो। विपक्ष में अगर हिम्मत है तो किसी चेहरे को एक करे और सीधे चुनाव करे। लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वैकेंसी तो है ही नहीं और विपक्ष एकजुट हो रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की वैकेंसी उनको लग रहा है, यहाँ पर है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं है, अकेले किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर है हिम्मत तो कहे कि सीधा चुनाव प्रधानमंत्री से, जिसको लड़ना है लड़े। अब दूसरी जो गया उसकी मौत हो गई, उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इतनी इस परिस्थिति में भी हेमंत सोरेन जो है वो वहां से बाहर चले गए, उनको उनका ध्यान नहीं हुआ, तमाम तरीके की चीजें बात जो है वो सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली झारखंड की सरकार हेमंत सरकार है। अब वो मुसलमानों पर सीधा बोलने के बजाय अपनी सरकार को बचाने में लगे हैं। ना उस बेटी को 10 दिन हो गए, गृह जिला है, पिताजी का कंसेंसी, भाई का कंसेंसी, राज्य के मुख्यमंत्री, ना पीड़िता के परिवार से मिले, न जब तक वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी तो उस अंकिता से मिले। ये साफ बताता है कि तुष्टिकरण के नीति के तहत अंकिता की जान गई है। अंकिता की जान नहीं, उसके मौत का जिम्मेदार वो शाहरुख के साथ साथ हेमंत सरकार भी। एक तरफ वहां भी ना सुना गया, क्या कहेंगे? आज देश के अंदर में एक लव जिहाद अब इस कदर पहुंच गया, केरल के हाई कोर्ट ने पहले इसको कहा था लव जिहाद, और वहाँ के माइनॉरिटी के लोगों ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने केस की थी। अब लव जिहाद, या तो तुम मुझे शादी करो या तुम्हें जान से मार दूंगा। जो घटना अंकिता की हुई, वही घटना दिल्ली में अली ने की।
अली के पिताजी रो रो के कह रहे हैं, ये देश के माहौल को कहीं सर तन से जुदा, कहीं लव जिहाद, कहीं शरिया कानून के तहत बिहार में शुक्रवार को छुट्टी, यानी पूरे देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश चल रही।